403 में से एक, तो मध्य प्रदेश में तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, आप जानते हैं ना। और कांग्रेस के 403 में से केवल दो हैं, तो मध्य प्रदेश में भी खाता खुलना ही नहीं चाहिए। आप सहमत है ना, सब सहमत है भाइयों बहनों? विकास के लिए, सुरक्षा के लिए और सुशासन के लिए जो मॉडल मोदी जी ने दिया, पिछले 20 वर्षों में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर विकास के जिस विजन को आगे बढ़ाया है, आज इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके आज एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हुआ है। देश के अंदर सबसे अधिक कृषि विकास की दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ये शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है, डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। भाइयों बहनों याद करिए, मुझे बहुत अच्छा लगा रे यहां जब मंच पे मैं आया, जिला पंचायत अध्यक्ष यहां पर श्रीमती नीता कोल जी को देख करके मुझे तो भगवान राम के समय की याद आ गई। आप सोचिए, इनके पूर्वजों ने भगवान राम को उनके संकट के समय सहयोगी बनकर के चित्रकूट में उन्हें शरण दी थी, और चित्रकूट में 12 वर्ष तक भगवान राम ने वास करके उस पूरे क्षेत्र को अभय प्रदान किया था। और आज भी कांग्रेस ने क्या किया, कोल हो, थारू हो, चेरो हो, जितने हमारे वनवासी हैं, गिरवासी हैं, इनको उपेक्षित किया, इनको केवल नारा सिखाया, गुमराह किया। पहली बार समाज के हर तबके के लिए, उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत नहीं देखा, एक ही नारा था, एक ही संकल्प था, वह संकल्प था सबका साथ और सबके विकास का। याद करिए, सामान्य दिनों में तो सभी घोषणाएं कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब संकट का समय हो भाइयों बहनों, जो संकट का साथी वही सच्चा साथी। कोरोना आया था, कोरोना महामारी से आई थी ना, दुनिया ने 350 वर्षों से यही झेल रही है। 3 वर्ष तक भारत ने भी कोरोना जैसी महामारी को झेला है, लेकिन मध्य प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में 5.25 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी तो मध्य प्रदेश में मिला। ये राशन की सुविधा, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने राशन की सुविधा को गरीबों के लिए अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, 5 वर्ष के लिए। भैया बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीन कभी आ ही नहीं सकता था, कभी नहीं आ सकता था। ये वैक्सीन कांग्रेस का विजन ही नहीं था, क्योंकि ये वैक्सीन तब आती जब भाइयों बहनों लाखों लोग कालकलंक हो गए होते। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने वैक्सीन, बीमारी के आते ही 9 महीने के अंदर वैक्सीन देकर के दुनिया की सबसे अच्छी 2 वैक्सीन भारत को दी, और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जितना वैक्सीन भारत के अंदर लगा दुनिया के अंदर कहीं नहीं लग पाया। भाइयों बहनों, एक तरफ भारत का यह मॉडल संकट का साथी, कोई है भाजपा है,
मोदी जी के नेतृत्व में वह संकल्प पूरा हुआ। गरीब कल्याणकारी योजनाएं, कांग्रेस गरीबों के लिए आवास नहीं दे पाई, शौचालय नहीं दे पाई, स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं दे पाई, कभी नहीं दे पाई। 55-60 वर्षों तक देश पर और मध्य प्रदेश पे शासन किया, नहीं दे पाई। उनका विजन भी नहीं था। हर घर नल की योजना, ये रीवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई कल्पना ही नहीं करता था। यहां सबसे ज्यादा संकट तो जल का था, 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर दूर सिर पे गगरा लेकर के जाती थी माताएं बहने, और इतनी दूर से धाना पड़ता था उनको जल। लेकिन अब तो आरओ का पानी आपके घर घर तक पहुंचने का कार्य होने जा रहा है भाइयों बहनों, बहुत बड़ा कार्य होगा। आदि से अधिक बीमारी का समाधान तो ये शुद्ध जल कर देगा, और बाकी अगर बीमारी आएगी, आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर जिसे बढ़ाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, पूरा कर देगा। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का कार्य कोई करेगा तो भाइयों बहनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार करेगी, और डबल इंजन के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी का जीतना आवश्यक है। भाइयों बहनों, यह हाथ का पंजा दिखा दिखा करके कांग्रेस ने देश को बेवकूफ बनाने का काम किया है, और वहन जी का हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि वह पूरा ही हजम कर जाएगा मध्य प्रदेश को, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए दोनों को कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं, बहुत धोखा दिया इन्होंने। इसलिए भाइयों बहनों, अब एक ही संकल्प है, और संकल्प एक है, और वह है फिर से डबल इंजन की सरकार लाकर के मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर देना। खुशहाली लाने के लिए आवश्यक है, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए, माताओं बहनों की खुशहाली के लिए, अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, एक समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए और एक सुरक्षित मध्य प्रदेश के लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को पूरा करने के लिए आज आप सबसे विशेष अपील करने के लिए मैं यहां पे आया हूं। भाइयों बहनों, 22 जनवरी को अयोध्या में पहले कांग्रेस ही चढ़ाते थे हम लोगों को, कहते थे ना कि लोग नारा लगाते हैं कि रामलीला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो जो कहा था कि रामलीला हम आएंगे, ढांचा भी हटाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे, सभी काम पूरे किए ना, काम पूरे हुए ना। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर का निर्माण हो पाया होता है क्या? और भाइयों बहनों, आप तिथि भी बता रहा हूं, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलीला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। सभी लोग सहमत है ना? आप सबका सम्मान बढ़ रहा है ना? पूरे भारत का सम्मान बढ़ रहा है ना? आप सब खुश है ना इस बात से? भाइयों बहनों, भगवान प्रभु राम का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा, और इसलिए डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी आनी चाहिए। इस दृष्टि से हमारा संकल्प होना चाहिए, जिससे श्री केपी त्रिपाठी जी और जनार्दन मिश्रा जी यहां से आप सबको भी लेकर के अयोध्या धाम का दर्शन कराने के लिए आ सके। सहमत है सब लोग? तो इसके लिए कमल का फूल, ठीक है, भगवान राम तो भगवान विष्णु के ही अवतार थे ना। और भाइयों बहनों, मां लक्ष्मी कमल पर ही आती है, कमल, ठीक है, हम सबके अभी तो हमने दीपावली का आयोजन किया, मां लक्ष्मी का अनुष्ठान किया है। दीपावली का आयोजन तो मां लक्ष्मी का ही अनुष्ठान है ना, तो कमल के इस फूल को पूरी मजबूती के साथ विजयी बनाने की आवश्यकता है। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं।